इस तरह की अनुमति दे, सीधे हम बच्चों के अकाउंट में किताब के लिए पैसा ट्रांसफ़र कर सकें। यद्यपि पूरे देश भर में ऐसी नहीं व्यवस्था है किसी भी राज्य में, फिर भी बिहार की सरकार को हम लोगों ने कह दिया, परमिशन दे दिया कि आप किताब के लिए अगर पैसा चाहते हैं देना तो डायरेक्ट दे सकते हैं। तो बिहार की सरकार अगर सुविधा मांग रही थी, सुविधा हम लोगों ने दी है। उसको लगता है कि सुविधा का लाभ उठाकर इस बार बच्चों को पैसा दिया जाएगा और किताब उपलब्ध कराना भी राज्य की सरकार का काम है। मार्केट में किताब उपलब्ध होगी, बच्चे वहाँ से खरीद पाएंगे, तो इस बार मुझको लगता है कि समस्या का समाधान हो जाए। क्या लगता है सर, आपके आंदोलन का असर ही है क्या कि मुख्यमंत्री ने भी एक कन्या योजना लाए हैं और उस पर 25,000 जो BA करेंगे 25,000, इस तरह के बहुत सारे प्रोत्साहित योजना है? कोई सिर्फ हम ऐसा सीधे टारगेट करके कहें तो मुनासिब नहीं है। हम तो लोगों से भी कहते हैं कि सब लोग शिक्षा के लिए आगे आइए, सब लोगों का सपोर्ट चाहिए और सब लोग मिलकर अगर लगातार इस तरह की बात करते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से निर्णय तो पक्ष में होंगे, शिक्षा सुधार के पक्ष में, और निर्णय हो रहा है। अगला कार्यक्रम सर क्या है? अगला कार्यक्रम अपने साथियों के साथ बैठ कर फिर तय करने वाले हैं। हमने कहा कि निरंतर शिक्षा का सुधार का कार्यक्रम हमारा चलते रहेगा। ये स्पेशल वार्ता आपके साथ हुई थी, कुछ गलियारे बात आई कि शायद अगला बार आप ही को नेता के रूप में प्रोजेक्ट करें। ऐसा नहीं है, क्या सरकार में मंत्री है नीति, तो लोगों के काम के लिए भी मिलते रहते हैं हम लोग बातचीत। लालू जी के साथ भेंट में बात मुझे, लालू जी बीमार थे, देखने आए थे एक बार, आपके राजू बाबू जब हॉस्पिटल में थे और कस्टडी में थे उनसे भी मिलने हम आए थे। तो राजू बाबू तो हमारी पार्टी में तब भी नहीं थे, नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जाकर मिलिए, तो हम लोग आए थे, रघुनाथ झा जी आए थे मिलने। तो यह मानवता की भेंट होती है, इसमें कोई पार्टी नहीं देखी जाती है। उसी तरह से लालू जी दिल्ली गए, एम्स में भर्ती थे, तो हम जाकर मिले, इसको राजनीति की नज़र से देखने की होती है। क्या सर, NDA से मांझी गए तो कुछ NDA पर प्रभाव इस तरह का? देखिए स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति जाएगा कहीं से, मांझी जी गए तो थोड़ा असर तो होता ही है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस असर की भरपाई के लिए हम लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और भरपाई कर रहे हैं।